कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये किसी न किसी तरह में ये चाहते हैं कि मैं नॉमिनेशन न कर पाता, मैं चुनाव नहीं लड़ता। केंद्र की सरकार और राज्य ये मुझे जीतने नहीं देना चाहते और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देना चाहते। अब गढ़वाल की जनता के बीच गढ़वाल की जनता के बीच और सरकारों के बीच ये जंग छिड़ गई है। और जिस प्रकार से मेरे आदर्श स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उस समय एक अकेले पहाड़ी शेर ने यह दिखा दिया था सभी सरकारों को कि पहाड़ी जो होते हैं वो अपने इरादे के पक्के होते हैं, तो मैं भी उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज सुबह भुगाणी पहुंचकर मैंने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। यहाँ पे पक्का विश्वास है कि गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देगी। आज कहीं ना कहीं विनोद नेगी को देखे कहा जा रहा था कि भाई एक अकेला अधिक वो है, जिलाध्यक्ष है। आज विनोद नेगी ने भी दिखा दिया बम धमकी। हाँ, गढ़वाल में भी कम से कम गणेश गोदियाल के साथ समर्थन में आप बहुत संख्या। जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे नेता, ऐसा थोड़ी है कि पब्लिक उनके साथ चली जाती है। पब्लिक का अपना ओपिनियन है। लोकतंत्र 75-76 साल का हो गया, प्राउड लोकतंत्र है, एक स्वस्थ लोकतंत्र है, एक विवेकशील लोकतंत्र है। तो विवेकशील लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि कोई नेता चला गया तो पब्लिक उसके साथ चली गई। नेता अपने स्वार्थों के लिए जा रहे हैं। क्या वहां जाकर वो पब्लिक के हित की बात कर रहे हैं? वो अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए लोग उनके साथ नहीं जा रहे हैं। लोग हमारे साथ हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी लड़ाई गणेश को क्या लड़ सकते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि जिलाध्यक्ष ने इतनी भीड़ शायद पहले कभी मुख्यमंत्री के उसमें। धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी जिलाध्यक्षों को और खास करके यहाँ पर पौड़ी में विनोद नेगी जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं। वो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस तरह अगर मेहनत कर रहे थे ये सभी को पता है और उनकी मेहनत सफल हुई, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।